जो है कंटेनमेंट जोन्स यहाँ पे जनपद में करीब 215 बना हुआ है, तो उसका संचालन में जो प्रक्रिया है उसके संबंध में माननीय विधायकगण और अन्य जो जनप्रतिनिधिगण सभी के साथ एक विचार विमर्श डिटेल ढंग से किया है। इसके बाद हर कंटेनमेंट जोन में एक समिति बनाया जाता है, उसमें विधायक का प्रतिनिधि और एक माननीय पार्षद हो या प्रधान हो, क्षेत्र के आधार पर होंगे, और एक अधिकारी होंगे। ये तीन लोगों का जो है हेल्प डेस्क प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में बनाया जाता है। पहले जो है केवल अधिकारी थे, अभी मैं जो है दो जनप्रतिनिधिगण को भी उसमें शामिल करके एक समिति बना रहे हैं, जिसमें जो है कोई भी उस कंटेनमेंट जोन का जो समस्या हो, चाहे खाना पीना को लेकर के हो या कोई भी किसी भी प्रकार का मेडिकल सेवाओं को लेकर के कोई समस्या हो, वो जो है तत्काल उस एरिया में ही जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ समस्या हल नहीं निकल पाता वो जो है SDM का संज्ञान में ला करके उसको निस्तारण कर सकते हैं। सर, अभी तक हरिद्वार कितने कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं? 215 कंटेनमेंट जोन अभी तक बनाया है, और प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में जो है कुछ प्रक्रियाएं होती है कि वहाँ पे परिमीटर कंट्रोल बैरिकेडिंग बना करके पुलिस का जो है ड्यूटी वहाँ होती है, ताकि वो कोई बाहर से व्यक्ति अंदर नहीं आ पाएगा और अंदर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा पाएगा। इसमें फिलहाल कई सारा जगह में जो है पुलिस का अपना फोर्सेस का भी एक सीमित संख्या होती है, तो इसलिए कई सारा जगह में PRDs होम गार्ड्स इन प्रकार का जो है तैनात करा रहे हैं। कुछ जगह में जो है CCTVs भी रखने का विचार कर रहे हैं। सर, जिस तरह से पुलिस कर्मियों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सर उनको देखते हुए प्रशासन किस तरह की व्यवस्था कर रहा है? कहाँ पे पुलिसकर्मी इस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव पा रहे हैं, तो अब प्रशासन एक्चुअली फ्रंटलाइन वर्कर्स, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या हेल्थ केयर वर्कर्स हो या कोई भी प्रशासन का जो कोई अधिकारी हो, जो भी जितना ज़्यादा इंट्रैक्शंस लोगों के साथ करना पड़ता है, उन लोगों के लिए प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार जो है टेस्ट करने के लिए जो है आदेश किया हूँ। इसमें प्रत्येक शुक्रवार को एक कैंप लगती है, यहाँ 4 सब डिवीज़न है, तो प्रत्येक सब डिवीज़न में एक एक जगह चिन्हीकरण किया हुआ है कि उस एरिया में प्रत्येक शुक्रवार वहाँ का उस एरिया का जो अधिकारीगण जा करके अपना टेस्ट सैंपल दे सकते हैं। तो हम जो है उनका केयर रख रहे हैं, ताकि जो है अगर कोई भी संक्रमित हो जाता है तो तत्काल उनका इलाज और उनका जो है उचित जो आगे कार्रवाई है वो होती है। सर, कुछ जिलों से शासन ने रिपोर्ट मंगाई कि सैटरडे और संडे का लॉकडाउन रहेगा या नहीं, इस पर सर रिपोर्ट को देखते हो सर अभी तक क्या कुछ फैसला हरिद्वार के लिए गया सर लॉकडाउन को देखते हो वो दिन? अभी सैटरडे संडे जो है अभी लॉकडाउन को यथावत रखा है, फिलहाल आगे वाला जो अन्य जो इश्यूज है उसका जो है विचार विमर्श अभी चल रही है। अच्छा सर, जो हरकी पेड़ में दीवार धराशायी हुई थी तो उसको देखते सर एक रिपोर्ट भी मांगी गई सर आपके द्वारा, सर संबंधित अधिकारियों को उसमें गलती आ रही है, सरकार को कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें जो है जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है वो पानी का रिसाव के वजह से दीवार गिरने का सूचना है। इसमें जो है वो असेसमेंट टेक्निकली किया हुआ है, इसमें किसी एक विभाग का जो है सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस दीवार से लेकर के लगभग 3.5 मीटर या 4 मीटर दूरी पर जो है ये जो UPCL का जो गड्ढा है वो इतना दूरी पर है, तो सीधे जो है उस गड्ढे के वजह से 4 मीटर दूरी पर दूसरा दीवार गिर गया करके कोई सीधे संबंध नहीं है, मगर जो है ज़रूर उसका भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ जो है इसका एंटायर स्ट्रक्चर को वीकन करने के लिए, बट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं बनती है। तो भविष्य में जो दीवार बनेगा वहाँ पे जो है जिस प्रकार का हमने असेसमेंट किया उसी आधार पर सॉइल टेस्टिंग आदि करने के बाद प्रॉपर रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर वहाँ बनाया जाएगा, वहाँ पर सौंदर्यकरण का भी प्रोजेक्ट है, तो अच्छे ढंग से वहाँ पर हरकी पेड़ी में दीवार जो है पुनर्निर्माण होगा।